फ्रेंड्स, वेलकम टू त्राना ट्रिक चैनल। मैं आप लोगों को बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज मैं बनाने जा रही हूँ खास्ता, जिसको खजुरिया भी बोला जाता है। देखिए पूरा प्रोसेस कैसे कैसे बनता है। ये है मैदा और इसमें है सूजी और ये रख गया चीनी और ये बनने जा रहा है खास्ता, और इसको खास्ता भी बोलते हैं, खजुरिया भी बोलते हैं। अभी इसमें और भी सामान डलाएगा, देखते रहिए। अब इसमें रखाएगा घी, जो गर्म करके रखा हुआ है ये है घी, और इसमें रख के इसको अच्छे से मलेंगे। ये हमारा खास्ता जो होता है, ये हमारा खजुरिया जो होता है, ये बहुत ही अच्छा लगता है। इसको बहुत ही यम्मी, इसको बहुत ही अच्छे से मलना पड़ता है। ये देखिए, ये है हमारा नारियल, जो हम इसको अच्छे से छोटे छोटे पीस में करके रखेंगे। ये देखिए कितना सारा नारियल है, इसको सबको हम छोटे छोटे टुकड़ों में काट देंगे, उसके बाद रखेंगे। ये है हमारा नारियल, जिसको हमने छोटे छोटे टुकड़ों में काट लिया है। अब इसको हम डालेंगे, पहले हम पूरा बादाम को अच्छे से बना लेते हैं। ये है हमारा बादाम, जिसको हम ऐसे करके इसको हमने भूना है कढ़ाई में, और इसको ऐसे कर भूनेंगे तो इसका पूरा ऊपर का जो कोया है वो छोड़ देगा। अब इसको हम रखेंगे इस खल में, ये हमारा खल, और अच्छे से इसको एकदम पाउडर बना देंगे ताकि हमारा खस्ता जो है वो फूटे ना फ्राई करने के बाद। खल में जो रख दिया है इसको अच्छे से फूट देंगे। ये है हमारा बादाम। पाउडर बना देंगे। ये 5 मिनट में एकदम पाउडर हो जाएगा। ये देखिए, ये है हमारा नारियल, जो अब इसमें रखाएगा, एकदम मेही हो गया है कूट कर। इतना सारा नारियल इसमें रखाता है और इतना यम्मी लगता है ये। इसमें अब बादाम भी रखाएगा, जो हमारा पाउडर बना हुआ है। ये देखिए, ये है हमारा बादाम, जो हमने कूट
काटने के लिए रखा हुआ था। ये देखिए छोटे छोटे टुकड़ों में ये बन चुका है बादाम और इसमें रखा रहा है। ये देखिए ये है सेवई, जो सेवई भी इसमें रखाएगा हमारा यमी होने के लिए, यमी लगने। ये देखिए सेवई रख रही हैं। इसी तरह से बारीकी से एक एक चीज रखिएगा अगर आपको बनाना है तो। इन सब इंग्रेडिएंट को रख के एकदम अच्छे से हमें मिक्स करना होता है, मिक्स करना पड़ता है। ये है हमारा खस्ता, इसको खजूरिया भी बोला जाता है। बहुत ही यमी होता है, बहुत ही लगता है। ये खस्ता बनाने के लिए जो इंग्रेडिएंट मिला हुआ है इसमें रखाएगा अंडा, और अगर आप अंडा नहीं खाते हैं तो ये स्किप कर सकते हैं, आप अंडा ना रख के भी बना सकते हैं। ये अंडा हमारा ऑप्शनल है, अगर आप अंडा नहीं खाते हैं, आपके घर में अंडा नहीं बनता है तो अंडा मत रखिए। हम लोग अंडा खाते हैं, हमारे घर में अंडा चलता है, इसीलिए हम अंडा रख रहे हैं। और इसमें रखा जाता है केला, केला भी ऑप्शनल है, आपको अगर मन हो तो रखिएगा, नहीं मन हो तो नहीं रखिएगा। हमारे पास अभी केला नहीं है तो हम इसमें केला नहीं रखेंगे। ये हमारा अंडा, जो हमारे पास ये चार अंडे हैं उसको हम इसमें मिक्स करेंगे। अगर आप अंडा नहीं खाते हैं तो यूज मत कीजिए, सारे इंग्रेडिएंट रखिए, अंडा मत रखिएगा। और ऐसे बनाइएगा इसको एकदम अच्छे से, बहुत देर तक इसको मिक्स करना पड़ता है, तब जाके एकदम जो होता है एकदम बिस्किट की तरह नरम होता है। ये है हमारा मिल्क, ये है हमारा दूध, गाय का दूध है जो हम इसमें रखेंगे। अब हम इसमें मिल्क रखेंगे, ऐसे छीट छीट कर थोड़ा थोड़ा रखेंगे, ज़्यादा रखेंगे तो ये हमारा फिर गील हो जाएगा। ये हमारा दूध पूरा रखा गया, इसको अच्छे से मिक्स करेंगे हम दोनों हाथों से मल मल कर, तब जाके हमारा ये बिस्कुट की तरह एकदम क्रूम क्रूम ब्रूम ब्रूम झुरुम झुरुम बनेगा, यमी बनेगा ये। जब तक हमारा आटा बन रहा है तब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। ये देखिए हमारा ये आटा है जो अभी हमारा ये बन रहा है, इसको इसमें से हम ऐसे थोड़ा सा लेते हैं और ऐसे गोल गोल बनाकर, इस तरह से। ये देखिए ये हो गया, इसको ऐसे डगरा ले लीजिए या प्लेट या प्रेत कुछ भी लीजिए, इसको ऐसे करके ऐसे हाथ से इसे चाप कर, ये देखिए
इस बोला को लेकर ऐसे हमें कढ़ाई में तेल लेना है और एकदम धीमी आंच पे, देखिए कितना कम आंच है, ऐसे धीमी आंच पे हमें इसको बनाना है। इसे ऐसे हाथ में लेना है और ऐसे डालना है। ही 10 मिनट पका है दिया।